जिला अस्पताल और महिला अस्पताल पर अस्थायी रैन बसेरे का निरीक्षण किया। महिला अस्पताल में रैन बसेरा की व्यवस्था न होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए चिकित्सा अधीक्षक को महिला अस्पताल में रैन बसेरे को बनाने के निर्देश दिए। महिलाओं की व्यवस्था को लेकर शहर के अलग अलग स्थानों पर पहुंचकर जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अधिकारी को जिलाधिकारी ने दोनों अस्पतालों के साथ साथ शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव जलाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के निरीक्षण के दौरान अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नाम क्या है? मैंने अलाव और रैन बसेरा चेक किया था जगह जगह पर पूरे शहर में, और आज भी चेक कर रहा हूँ, कल भी चेक करूँगा, रोज चेक करूँगा, सुनिश्चित करूँगा कि गरीबों को राहत मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि किसी गरीब को ठंड न लगने पाए, ये हमको सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में हम रोज चेक करेंगे। आज रैन बसेरा यहाँ का पुरुष अस्पताल का चालू हो गया है, और कल जो महिला अस्पताल का है वहाँ हमने कहा वहाँ कभी रैन बसेरा नहीं बनता था, लेकिन इस साल हम चाहते हैं कि वहाँ भी रैन बसेरा बन जाए, कल वहाँ भी बन जाएगा। रेलवे स्टेशन के रैन बसेरा चेक किए, सब व्यवस्था वहाँ पर ठीक मिली और बहुत खुश है लोग। जगह जगह अलाव जल रहे हैं और अलाव की अच्छी व्यवस्था की है। लकड़ियाँ जो हैं वो भी ठीक हैं। हमने ये भी कहा कि कहीं गीली लकड़ी न डाली जाए, सुनिश्चित किया जाए कि लकड़ी सूखी हो। और दूसरा, जहाँ पर जितनी आवश्यकता है, कहीं कहीं पूरी रात जलना है, कहीं कहीं केवल 10 बजे तक जलना है, उसके अनुरूप लकड़ी डाली, जहाँ पूरी रात जलना है वहाँ लकड़ी ज़्यादा डाली जाए। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे।